नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जबलपुर संभाग में यूरिया के गायब होने की शिकायत पर यूरिया चोरी करने वालों पर FIR दर्ज करने के आदेश के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कृषक भारती को ऑपरेटिव कृभको लिमिटेड के मार्केटिंग डायरेक्टर ट्रांसपोर्टर DPM के फर्टिलाइजर और रेक हैंडलर के स्टेट मैनेजर पर लाडगंज थाने में प्रकरण दर्ज किया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जबलपुर जिले के कृषि अधिकारियों के पसीने छूटने लगे हैं और आनन फानन में कृषि विभाग के अधिकारियों ने गोदामों पर छापा डालना शुरू कर दिया है। अधिकारियों की इस छापेमारी में लगभग 129 मीट्रिक टन शासकीय यूरिया गोदामों में भरा मिला। कृषि विभाग के अधिकारियों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कृषक भारती को ऑपरेटिव लिमिटेड के मार्केटिंग डायरेक्टर राजेंद्र चौधरी, ट्रांसपोर्टर DPM के फर्टिलाइजर के द्वारका गुप्ता और रेक हैंडलर के स्टेट मैनेजर जयप्रकाश सिंह और अन्य के विरुद्ध लाडगंज थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 व 7 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 34 एवं 120B के तहत प्रकरण दर्ज किया है। जबलपुर से अकलीम अंसारी की रिपोर्ट। जी, ये फर्टिलाइजर का इशू है। फर्टिलाइजर जो अभी सैंपल को रेक लगी थी, उसमें से ये जो गवर्नमेंट को मिलना था उसमें से क्वांटिटी कम मिली थी। जो उसको 1846 मेट्रिक टन मिलना था, 1853 मेट्रिक टन मिलना था, उसमें से कम मिला है। 1019 मेट्रिक टन कम मिला है, 833 मेट्रिक टन मिला है। मैं जॉइंट डायरेक्टर हूँ एग्रीकल्चर में। यूरिया वितरण को लेकर शिकायत के दौरान कृषि विभाग द्वारा एक जांच की गई थी और जांच में उनके मार्कफेड के प्रबंधक, मंडल प्रबंधक थे रोहित बघेल, उनके द्वारा एक लिखित शिकायत लाडगंज थाने में आके की गई है। उसमें 1020 मेट्रिक टन यूरिया जो मंडला, दमोह इन जिलों में जाना था, वहाँ डिंडोरी इनमें जाना था, वो नहीं पहुँच पाई है। उस संबंध में उन्होंने एक लिखित शिकायत की है, जिसमें जो प्रभुको कंपनी है उसके अधिकारी और DPM के जो ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार थी उनके विरुद्ध उन्होंने शिकायत की है। तो उनके FIR करके 3/7 EC एक्ट और 409, 120B, 34 के अंतर्गत FIR दर्ज कर ली गई है और मामले की विवेचना की जा रही है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।